तो बस मूवी शुरू हुई जब मैंने एंड पुलकित ने पकड़ी फ्लाइट टू बाली। अब ये फ्लाइट मैंने करी थी अप्रोक्स 2 months पहले बुक, जिसमें पर पर्सन 27,000 का फटका तो पड़ गया। और उड़ते उड़ते इन नो टाइम वी वर इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट कंट्री। आहा, क्या फीलिंग आया। सबसे चिलता वहाँ का वीजा का सीन, कुछ नहीं पूछा एंड बस पासपोर्ट पे ठप्पा और 30 दिन चुत्याप करने का परमिशन। ये वो DDLJ वाला फील था। जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। बॉस अब हम जिएंगे अपनी जिंदगी। सो वी लैंडेड इन बाली, टोक आवर बैग्स एंड देखो अब आता है पहला चैप्टर ऑफ द बाली स्टोरी, अमीरी दिखाओ बीसी। एयरपोर्ट से निकलते साथ कुछ आइडिया नहीं था क्या करने का, जब दूर से आवाज आई मोनीश। मैं बोला बड़ा आइलैंड है और भी मोनीश होंगे, बट जब कार्ड पड़ा तो समझा कि हम चूतियों को पिकअप करने आया था एक ड्राइवर। मतलब जिंदगी में किसी ने इतना इज्जत नहीं दिखाया जितना वो बंदे ने दिखाया। आहा, दिल तो पिघल गया समझो। तो हम बैठे उसकी महंगी SUV में और फाइनली उसने फट से कार एयरपोर्ट से बाहर निकाला। तो 1 घंटे में हम लोग पहुंच गए सबसे बिजी एरिया ऑफ बाली, सेमिनिया। और as Paritosh likes to call it उससे आ रहा है Paritosh भाई का स्टोर। इस स्टोरी पे ना 3 फटके है। ये है पहला फटका। तो ये भाई ने अपनी टिकट्स अलग से बुक कराई और उसको पड़ा लंबा वाला झटका, क्योंकि इसको कुआलालंपुर का ट्रांजिट वीजा नहीं मिला। फिर भाई ने एक और टिकट कराई, मतलब 50,000 तो लिटरली इसके हवा में। छूतिया साला। तो हाँ, हमने इसको पिकअप कर लिया एंड वी वेंट टू आवर होटल मोंटेगो रिजॉर्ट्स। भाई जो चिल मारा है हमने यहाँ पे, जो चिल मारा है क्या बताओ। मतलब स्विमिंग पूल से लेके बाथरूम में हिलाने तक सब कर लिया समझो। अब ये सब तो ठीक है, बट बाली में 1 महीना रहने का प्लान था तो 4 काम करने जरूरी थे। पहला था पैसा एक्सचेंज, दूसरा था गाड़ी उठाओ, तीसरा सिम कार्ड लो और चौथा पुल्लू के लिए कॉन्डम्स खरीदो लाइक बाली बॉल्स। ओए होए 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 होए, मजाक कर रहा हूँ यार, पुलकित अपना बहुत सीधा है, उसको जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो हम पहले गए मिलियनेयर बनने, कंफ्यूज्ड। तो सुनो, इंडिया का रुपी 70 होता है, US का $1 और हम लेके आए थे कैश $100। और भाई इंडोनेशिया में $1 होता है 14,000 इंडोनेशियन रुपया, इसका मतलब हमारे पास एक्सचेंज करके आ गए 1.4 मिलियन इंडोनेशियन रुपया। इसको बोलते हैं रहीसी बीसी। तो हाँ, अब इतना पैसा आ गया था तो लगा कि भाई कुछ खर्चा किया जाए, तो हम निकल गए बाइक लेने। अब YouTube के लिए अच्छी सी स्कूटर लेना था तो हमने उठाया सबसे कूल विंटेज टाइप की दिखने वाली स्कूपी। मतलब मस्त गाड़ी है बॉस, बढ़िया लुक्स फॉर फोटोज और अच्छा खासा ड्राइविंग एक्सपीरियंस एट अ गुड प्राइस। फिर मैंने और बुलगे ने उठाया एक टेलीकॉम सेल कंपनी का सिम कार्ड, क्योंकि भाई इंटरनेट तो जरूरी है। तो अब सारे काम हो गए तो हम पूरे टशन से निकले शॉपिंग करने। पर भाई अब पता चला अपनी असली औकात, क्योंकि भाई जो महंगी चीजें बिकती है यहाँ पर, रहने दो यार। तो भाई हमने ले रखे हैं 3 sunglasses 1.5 लाख के, 1.5 लाख रुपया। फिर मेरे को बोलते कि मेरा फटका बड़ा लगा, खुद देखो क्या लगा क्या है। फिर हमने सोचा कि शॉपिंग वॉपिंग हटाओ यार, हम चलते हैं कोई बीच पे चिल मारने को, क्योंकि बीचेस तो फ्री होते हैं। तो हमने लगाया GPS और पहुंच गए एट सम रैंडम बीच इन सेमिनार जस्ट एट द टाइम ऑफ सनसेट। भाई पहला सनसेट था बाली का और पूरा माइंड रिलैक्स हो गया बॉस, क्या वाइब्स है, वाह। तो इसके बाद हम निकले तैयार होने पार्टी करने को, बट वो पार्ट ना मैं शूट नहीं किया, क्योंकि भाई अल्कोहल नाम की चीज और कैमरा एक साथ हैंडल नहीं किया जा सकता बॉस। मतलब ये देखो, क्या तुम इस चूतिए को एक कीमती कैमरा हाथ में पकड़ने दोगे? तुम अपना आंसर बता दो कमेंट्स में, तब तक मैं निकलता हूँ क्योंकि भाई नेक्स्ट वीडियो भी एडिट मारनी है। होपफुली तुमको मेरी बकचोदी पसंद आई। थैंक्स, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज।